हेलो बच्चों, मैं गोविंदा फ्रॉम एसआरईपी। और लास्ट वीडियो में हमने पार्शियल डेरिवेटिव के लिए आपका सिंपल क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग इसमें आपका सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे होमोजेनियस फंक्शन और आपका यूलर थ्योरम, ठीक है ना। बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इसको देखते हैं। देखिए, हमारा होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। होमोजेनियस फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स वाई सेट टू बी होमोजेनियस फंक्शन इन विच द पावर ऑफ ईच टर्म इज सेम। मतलब जिस भी हमारे पास फंक्शन में एक्स और वाई का पावर हमारे पास सेम होता है, वो हमारा होमोजेनियस फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, टू वेरिएबल का फंक्शन एक्स और वाई में, तो होमोजेनियस कब होगा, जब हम उसको इस फॉर्म में लिख सकेंगे, एफ लैम्डा एक्स वाई और कोमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्म होता है किसके लिए, ये आपका फॉर्म होता है होमोजेनियस फंक्शन प्रूफ करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन प्रूफ करना होगा, तो हम लोग उसे ये प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी लैम्डा की पावर आएगी एन, तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का फंक्शन हमारा होमोजेनियस है और डिग्री उसका कितना आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसने बोला है, एक एग्जाम्पल एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का टू एच एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर। इसमें हमें चेक करवाया कि क्या ये हमारा फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, या और इसका फिर डिग्री भी क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई निकालेंगे। अब ये लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई कैसे निकालते हैं, जहाँ भी हमारा एक्स है वहाँ पर हम एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स पुट करेंगे, और जहाँ पर हमारा वाई है वहाँ पर वाई की जगह पर लैम्डा वाई पुट करेंगे। तो आएगा ए इंटू में लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस का टू एच लैम्डा एक्स इंटू में लैम्डा वाई प्लस का बी वाई की जगह पे लैम्डा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया ए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का टू एच लैम्डा इंटू में लैम्डा लैम्डा का स्क्वायर एक्स वाई प्लस का बी इंटू में लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर को बोलेंगे, तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का टू एच एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स वाई, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर और एफ एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे आपके पास डिग्री क्या आ गई, एन इज इक्वल टू टू आ गए, होमोजीनियस फंक्शन आ गया, क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और लैम्डा की हमारी पावर कितनी है, टू है। तो इसलिए इस होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री कितना आ गया, आपका टू आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वाई की पावर वन बाई थ्री डिवाइड में एक्स की पावर 1 बाई फोर माइनस वाई की पावर 1 बाई फोर, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन हैगा, तो इसको हमें डिग्री निकालनी है, इसको होमोजीनियस भी प्रूफ करना है। तो देखो, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हमने पुट किया, तो ये आ गया लैम्डा एक्स की होल पावर 1 बाई थ्री प्लस का लैम्डा वाई की होल पावर 1 बाई थ्री होल अपॉन में लैम्डा एक्स की होल पावर 1 बाई फोर माइनस लैम्डा वाई की होल पावर 1 बाई फोर। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया लैम्डा की पावर 1 बाई थ्री कॉमन आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे बच गया एक्स की पावर 1 बाई थ्री प्लस वाई की पावर 1 बाई थ्री डिवाइड में यहाँ से लैम्डा की पावर 1 बाई फोर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 1 बाई फोर माइनस वाई की पावर 1 बाई फोर। अब ये बेस से में पावर माइनस होगी, तो आएगा लैम्डा की पावर 1 बाई थ्री माइनस का 1 बाई फोर, 1 बाई थ्री माइनस का 1 बाई फोर करेंगे तो 1 बाई 12 आ जाएगा। और ये जो आपके पास फंक्शन है, हमारा गिवन फंक्शन हो गया एफ एक्स कोमा वाई, तो हमारा एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई कन्वर्ट हो गया लैम्डा की पावर 1 बाई 12 इंटू में एफ एक्स कोमा वाई। तो ये हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन बन गया, जिसमें डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1 बाई 12, ये इसकी डिग्री हो गई, ठीक है ना। ये आपके पास होता है होमोजीनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमने होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा क्यों, क्योंकि आपका आगे आएगा यूलर थ्योरम, और यूलर थ्योरम हमारा अप्लाई ही हो सकता है होमोजीनियस फंक्शन में, तो उसको देखते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या होती है, अगर आपके पास कोई भी एक जेड सपोज करो फंक्शन है एफ एक्स वाई, अगर वो होमोजीनियस फंक्शन है, तो उसके अंदर हम एक थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं क्या होती है थ्योरम। देखो, इफ जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन बाय यूलर थ्योरम एक्स इंटू में डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स प्लस का वाई इंटू में डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स जेड।
ठीक है, ये कहता है यूलर थ्योरम कि आपका x इंटू में डेल्टा जेड अपन डेल्टा x प्लस y इंटू में डेल्टा जेड अपन डेल्टा y इज इक्वल टू एन जेड। तो हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं क्योंकि प्रूफ भी आपके पेपर में आ जाता है, तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ करने के लिए हमें जो जेड होगा फंक्शन वो हमें होमोजीनियस फंक्शन लेट करना पड़ेगा, तो हम जेड एक लेट करते हैं होमोजीनियस फंक्शन, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, क्योंकि एक्स की पावर एन है ना, मेरे पास डिग्री एन का हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखा लेंगे और वो हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड के आना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने जेड के लिए क्या लिखा लेंगे हम लोग, डेल्टा जेड अपॉन में डेल्टा एक्स लिखा लेंगे, आएगा एफ वाई बाई एक्स, तो डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हमारा एक्स की पावर एन हमने छोड़ दिया, फंक्शन का होगा एफ डैश वाई बाई एक्स और वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव होगा वाई बाहर और वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस का एफ ऑफ वाई बाई एक्स, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन। उसके बाद इसमें और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करते, बस इसको माइनस को आगे ले आते, तो आएगा माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में वाई और एक्स स्क्वायर और एफ डैश वाई बाई एक्स और प्लस का एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये हमारा आ गया डेल्टा जेड अपॉन में डेल्टा एक्स। उसके बाद हम निकालते हैं डेल्टा जेड अपॉन में डेल्टा वाई, तो डेल्टा जेड अपॉन में डेल्टा वाई जब हम फाइंड करेंगे तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। अब मेरा एक्स की पावर एन कॉन्स्टेंट वर्क करेगा तो हो जाएगा बाहर, एक्स की पावर एन हमारा बाहर आ गया और एफ वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वो होगा एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू में वन बाई एक्स बाहर और वाई का वन, ये आ गया हमारा एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स और एफ डैश वाई बाई एक्स, ये आ गया डेल्टा जेड अपॉन में डेल्टा वाई। अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो कंसीडर हमने कर लिया एक्स डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स प्लस का वाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स, डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी हैगी ये रही, यह आएगा माइनस एक्स की पावर एन वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर एफ डैश वाई बाई एक्स और प्लस का एन एक्स की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस का वाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई की वैल्यू हमारी ये रही, लिखेंगे एक्स की पावर एन बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये एक्स कट जाएगा, तो ये हमारा आएगा एक्स की पावर एन वाई अपॉन में एक्स और एफ डैश वाई बाई एक्स, इस एक्स की मल्टीप्लाई जब मैं इसमें कराऊंगा तो एक्स की पावर एन बन जाएगा, तो आएगा एन इंटू में एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस का वाई की मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो आएगा आपका वाई एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स और एफ डैश वाई बाई एक्स, ठीक है ना। अब देखो ये वाला और ये वाली वैल्यू सेम है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम एन को छोड़ दें उसके अलावा सारी की सारी वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एन इंटू में जेड, तो आपका इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। तो आपका प्रूफ हो गया एक्स डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स प्लस का वाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन जेड, आ रही बात समझ में। तो ये हमारा प्रूफ है यूलर थ्योरम का जो कि इंपॉर्टेंट है आपका 10 मार्क्स में पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन है का, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन जेड इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का टू एच एक्स वाई, इस फंक्शन के लिए यूलर थ्योरम वेरीफाई करो, ठीक है। एक तो आपका क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसको करते हैं,
आपको z गिवन है रूट में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2hxy। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है इसके अंदर कि हम इसकी डिग्री फाइंड करेंगे, तो हम इसको लेट करेंगे fxy, जो भी हमें फंक्शन दे रखा होगा उसको हम लोग लेट कर लेंगे fxy, ठीक है। फिर हम निकालेंगे f lambda x lambda y इज इक्वल टू lambda x का होल स्क्वायर प्लस lambda y का होल स्क्वायर प्लस का 2h lambda x lambda y। यहाँ पे lambda square और lambda into में lambda, lambda square आपका कॉमन आ गया और वो रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल lambda, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x square plus y square plus का 2hxy is equal to lambda of fx, y। तो lambda x, y f of lambda x, lambda y आपका एक्सप्लेन हो गया, lambda की पावर कुछ नहीं है तो 1 है into में fx, y, इसका मतलब इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे यूलर थ्योरम, देन बाय यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x इंटू में डेल्टा z बाय डेल्टा x प्लस का y इंटू में डेल्टा z बाय डेल्टा y इज इक्वल टू एन की जगह पर 1 आएगा, 1 इंटू जेड मतलब कि जेड, आपका एक्स ये वाला टर्म इक्वल टू जेड के इक्वल आना चाहिए। अब हमें ये वेरीफाई करना है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग डेल्टा जेड अपॉन में डेल्टा एक्स, वो देखो हमारा ये फंक्शन आएगा, इसका एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy इन टू में एक्स स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 0 प्लस का 2hy बाहर और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 2 को मना के कैंसिल आउट हो रहा है तो आएगा x प्लस का hy डिवाइड बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy। फिर हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन z विथ रेस्पेक्ट टू y, देन डेल्टा z बाय डेल्टा y इज इक्वल टू y का इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा हमारा 1 बाई 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y प्लस का 2hx बाहर y का 1। यहाँ पे 2 आपका कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया तो आ गया y प्लस का hx डिवाइड में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy, ओके। देन हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो या फिर कंसीडर लिख लेते हैं, कंसीडर x डेल्टा z बाय डेल्टा x प्लस का y डेल्टा z बाय डेल्टा y, x डेल्टा z बाय डेल्टा x की जगह पे क्या आएगा हमारा, ये वाली वैल्यू x प्लस का एच वाई डिवाइड में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का वाई, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई इसकी वाई प्लस का एच एक्स डिवाइड में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy, एक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एच एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एच एक्स वाई, यहाँ वाई की मल्टीप्लाई हो गया, आपका एलसीएम सेम आ गया, यह आ गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy। इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy और डिवाइड में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy, ठीक है। अब ऊपर नीचे वैल्यू सेम है पूरी, तो इसमें हम पावर सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसका हमने रूट लगाया और रूट का स्क्वायर लगा दिया, जिससे मेरे पास एक वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो गई तो आपके पास आ गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy, ये मेरे पास इक्वल टू आ गया जेड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना। देख लीजिए इसे एक बार, देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई, इसमें हमें प्रूफ करना है x डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस का y डेल्टा u बाई डेल्टा y इज इक्वल टू 2 tan u,
ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा यूलर थ्योरम से होगा। क्यों होगा यूलर थ्योरम से? क्योंकि हम अगर साइन इनवर्स में जो फंक्शन दे रखा है हमें, इसको ध्यान से देखें तो हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, और वैसे भी इसका डेरिवेटिव करना तो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा और उसके बाद कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी और आंसर भी आपका सेम आ नहीं पाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यूलर थ्योरम लगाएंगे। और पहचान क्या होगी, क्योंकि उसमें ब्रैकेट में जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है लॉग के अंदर भी देखो, एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर ओपन में एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई की पावर सेम है, तो ये भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये भी हमारा यूलर थ्योरम से ही होगा। मगर इसे करते कैसे हैं वो देखिए, आपको यू दे रखा है इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई। अगर ये हमारा साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन यू हो जाएगा, तो साइन यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड में एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग लेट कर लेंगे जेड, इसको हमने लेट कर लिया जेड। अब इस जेड क्यों लेट किया है, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये मेरे पास फंक्शन हो जाएगा जिससे हमें डिग्री पता लगेगी जेड की, ठीक है ना, इससे हमारी डिग्री पता लगेगी जेड की। और हम क्योंकि हमें आंसर लाना है टेन यू, तो हम जब यूलर थ्योरम लगाएंगे तो उसमें जेड की जगह पे इस साइन यू को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस वाली बात को ध्यान से सुनना, जो ये फंक्शन होगा ये हमारा सिर्फ डिग्री निकालने का काम आएगा, और जो ये वाला फंक्शन होगा ये हमारा यूलर थ्योरम में यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लेट कर लिया एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई अगर हम फाइंड करेंगे तो आएगा लैम्डा एक्स का होल क्यूब प्लस का लैम्डा वाई का होल क्यूब डिवाइड में लैम्डा एक्स प्लस का लैम्डा वाई। यहाँ से लैम्डा क्यूब कॉमन आ रहा है, नीचे से लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो सॉल्व होकर लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा और एफ एक्स कोमा वाई हो जाएगा। इसका मतलब जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू, ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन बन गया जिसकी डिग्री हो गई टू। देन बाय यूलर्स थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम एक्स इंटू डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स प्लस का वाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स जेड होता है, तो यहाँ पे टू टाइम्स जेड आएगा क्योंकि डिग्री हमारी कितनी आ गई, टू आ गई, ठीक है। ध्यान रखना इसमें हम लोग ये जो डिग्री है आज जो यूलर थ्योरम है वो हम लोग जेड में लगाएंगे, यू में नहीं लगाएंगे, क्योंकि जेड इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। देन अप्लाई यूलर थ्योरम इन जेड। देखिए उसके बाद यहाँ पे जेड की जगह पे अब हमें क्या पुट करना है, हमें यूज़ करना है इसको साइन को, कि जेड की वैल्यू साइन यू भी है, ये हमारा डिग्री निकालने का काम आ गया, इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा एक्स इंटू में डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ जेड की जगह पे साइन यू प्लस का वाई डेल्टा बाई डेल्टा वाई साइन यू इज इक्वल टू टू इंटू में साइन यू। अब साइन का डायरेक्टिव हमारा हो गया कॉस यू, और यू का डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस का वाई कॉस यू बाई डेल्टा वाई इक्वल टू टू साइन यू। यहाँ से कॉस यू कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आएगा कॉस यू एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस का वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू इंटू में साइन यू। कॉस यू को डिवाइड में लेके जाओगे साइन के, तो आएगा एक्स इंटू में डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस का वाई इंटू में डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू इंटू में टेन यू, साइन यू बाई कॉस यू टेन यू, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यू इज इक्वल टू दे रखा है लॉग एक्स फोर प्लस वाई फोर अपॉन में एक्स प्लस का वाई, हमें इसमें प्रूफ करना है एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस का वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू थ्री। इसको भी सेम उसी प्रोसेस से करेंगे हम लोग। देखो U हमें गिवन है log ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन में x प्लस y। ये क्वेश्चन कई बच्चों से इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि log इधर जाने के बाद क्या बन जाएगा। भाई जब log इधर जाता है तो एक ही पावर बन जाता है, तो एक ही पावर u आएगा इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन में x प्लस का y। इसको हम लोग इक्वल टू z लेट करेंगे। अब हमारा z आपको नजर आ रहा है कि z की डिग्री कितनी होगी, भाई ऊपर 4 है नीचे 1 है, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3। तो लिखो z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, देन
बाई यूलर्स थ्योरम एक्स डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स प्लस का वाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन जेड होता है, आप आएगा 3 × z क्योंकि आपके n की वैल्यू 3 है। अब x डेल्टा बाई डेल्टा x ऑफ z की वैल्यू क्या है हमारी e की पावर u प्लस y डेल्टा अपॉन में डेल्टा y z की वैल्यू e की पावर u इज इक्वल टू 3 e की पावर u। e की पावर u का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा e की पावर u और u का डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस का y e की पावर u और इसका डेल्टा u बाई डेल्टा y इज इक्वल टू 3 × e की पावर u। अब e की पावर u कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया x डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस का y डेल्टा u बाई डेल्टा y इज इक्वल टू 3 e की पावर u। e की पावर u से e की पावर u कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया x डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस का y डेल्टा u बाई डेल्टा y इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ गया इसका, इसको देख लीजिए, इसको साथ साथ कॉपी करोगे देखो तो ही समझ में आएगा। साथ साथ जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे साथ साथ कॉपी करते रहें और उसी के जैसे क्वेश्चन अपनी बुक में से प्रैक्टिस करते रहें। इसे कॉपी कर लो, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई देन प्रूव फर्स्ट पार्ट एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू हाफ टेन यू। ये तो हम यूलर थ्योरम से डायरेक्टली प्रूफ कर देंगे। हमारा सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy डेल्टा स्क्वायर यू बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर वाई डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन यू कॉस 2u अपॉन में 4cos3u। ये हमें प्रूफ करना है, तो सेकंड वाले पार्ट के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट तो हमने अभी किया ही है, इस तरीके से क्वेश्चन तो हो जाएंगे आराम से, देखते हैं। फिर भी सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे रखा है उसे लिखते हैं, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई रूट एक्स प्लस का रूट वाई। यहाँ पे साइन u इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड में रूट एक्स प्लस का रूट वाई, इसको हम लोग z लेट करते हैं। तो ये मेरे पास डिग्री क्या होगी, ऊपर डिग्री 1 है नीचे हाफ है, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो लिखेंगे जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2 देन बाई यूलर्स थ्योरम। बाई यूलर थ्योरम क्या होगा, एक्स डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स प्लस का वाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ जेड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे, x डेल्टा बाई डेल्टा x ऑफ z की जगह पे आएगा साइन u प्लस का y डेल्टा बाई डेल्टा y z की जगह पे साइन u इज इक्वल टू हाफ, यहाँ भी z की जगह पे साइन u। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो आएगा x डेल्टा cos u इंटू में डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस का y cos u डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन यू। कॉस यू कॉमन लेके डिवाइड में जाएगा तो साइन अपॉन में कॉस बन जाएगा 10, तो हमारा आ जाएगा ये एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस का वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 यू। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है यहाँ से, उसके बाद हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं क्या जरूरत है। सेकंड पार्ट में हमें x में दोबारा डेरिवेटिव चाहिए तो हम इस इक्वेशन का x में डेरिवेटिव करेंगे और y में भी डबल डेरिवेटिव चाहिए तो हम इसी इक्वेशन का एक बार और y में डेरिवेटिव करेंगे। पहले इतना करते हैं उसके बाद समझते हैं। तो डेरिवेटिव हम लोग यहां कर लेते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव x में करेंगे तो इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो हमारा यहाँ पे x एस आई y का डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा x स्क्वायर प्लस का डेल्टा u बाई डेल्टा x सेम और x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका करेंगे तो हमारा y कॉन्स्टेंट बाहर और इसका डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा x डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 10 का हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर u और u का डेल्टा u बाई डेल्टा x, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड।
अब हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी फर्स्ट में ही करेंगे, मगर हम क्या करेंगे y में, तो इसका डेरिवेटिव y में करेंगे तो हमारा x कॉन्स्टेंट हो जाएगा और इसका होगा डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा y डेल्टा x प्लस का, इसमें लगेगा हमारा प्रोडक्ट क्योंकि दोनों फंक्शन ऑफ y है, प्लस का वाई एस आई, इसका डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा y स्क्वायर प्लस का डेल्टा u बाई डेल्टा y सेम और y का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू में हाफ tan u, तो इक्वल टू में हाफ tan का sec स्क्वायर u और u का डेल्टा u बाई डेल्टा y। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड बन गया। अब हमें अपना लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए इन दोनों को एक तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमारा x डेल्टा स्क्वायर u अपॉन में डेल्टा x स्क्वायर चाहिए, मगर उसके साथ में x स्क्वायर चाहिए। एक तो हमें इक्वेशन सेकंड को x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड को सिमिलरली y से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि हम y स्क्वायर चाहिए, और फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं पाई x इंटू में सेकंड एंड y इंटू में थर्ड को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास से देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा मेरा x स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा x स्क्वायर प्लस का x डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस का एक्स वाई डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा x डेल्टा y। अब हम इसमें y से कराएंगे मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा y डेल्टा x प्लस का वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा y स्क्वायर प्लस का y इंटू में डेल्टा u बाई डेल्टा y इज इक्वल टू, इसमें x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा मेरे पास x बाई टू sec स्क्वायर u बाई डेल्टा x और यहाँ y से मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे आएगा y बाई टू sec स्क्वायर u और डेल्टा u बाई डेल्टा y। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, पहले मेरे पास x स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग इसे ही लिखते हैं x स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा x स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 2xy डेल्टा स्क्वायर बाई डेल्टा x डेल्टा y, भाई xy डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा x डेल्टा y और यहाँ पे मेरे पास डेल्टा y पहले डेल्टा x बाद में, मगर ये हमारा सिमेट्रिक ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमारा ये इक्वल टू इसी के ही है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 2xy डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा x डेल्टा y और प्लस का वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा y स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो टर्म आ गए, एक तो ये उसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे आएगा x डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस का y डेल्टा u बाई डेल्टा y इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है sec स्क्वायर u बाई टू और ब्रैकेट में बच रहा है x डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस का y डेल्टा u बाई डेल्टा y। ठीक है ना, ये हमारा पोर्शन बच रहा था। अब हम इसकी जगह पे बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं 1 बाई टू टेन यू लिख सकते हैं और जब मैं लिखूंगा तो इसको माइनस में भी ले जाऊंगा, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा x स्क्वायर प्लस का 2xy डेल्टा स्क्वायर u डेल्टा x डेल्टा y प्लस का y स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा y स्क्वायर इज इक्वल टू में इसको मैं उधर माइनस में ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखूंगा sec स्क्वायर u बाई टू और इसकी जगह पे आएगा tan u बाई टू, है ना, tan u बाई टू और माइनस का ये वाली वैल्यू आएगी तो दोबारा आ जाएगा tan u बाई टू। यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है tan u बाई टू कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा sec स्क्वायर u बाई टू sec स्क्वायर u बाई टू माइनस का वन, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर और उसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास tan u बाई टू और यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर u अपॉन में 2 cos स्क्वायर u, ये मेरे पास 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर u होता है cos 2u, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan u इंटू में cos 2u डिवाइड बाय 4 cos स्क्वायर u इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया RHS। ऐसे देख लो एक बार,
ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके साथ ही आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन पूरा ख़त्म होता है। इसके बाद हम आगे सक्सेसिव डेरिवेटिव या फिर और भी टॉपिक इसमें अपलोड करेंगे। आपको कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम लगती है, कोई कमी लगती है, तो आप मेरे को जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसमें आप मेरे से कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।